हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये व्लॉग है पहले का, जब मतलब ऑपरेशन के पहले, जब हस्बैंड जी छुट्टी आए थे तब का व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और वॉइस ओवर इस वजह से कर रही हूँ कि मैं ये व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। और रिकॉर्ड मैंने करके रखा था बट एडिट नहीं कर पाई थी और पोस्ट भी नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि अब एडिट कर दूँ। और हॉस्पिटल से आ गई, उसके बाद जान ही रहे हैं आप लोग को पता ही है कि अब मैं लेटी रहती हूँ। मैं क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ आप लोग को, मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। और देखो कब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जो है वो मैं पोस्ट कर दे रही हूँ एडिट करके, आप लोग देख लीजिए। तो मार्केट से घर आ गई और सबका मन था सूजी का हलवा खाने का, तो मैं चलती हूँ बना लेती हूँ सूजी का हलवा। और मेरा न्यू ब्लॉग कब आएगा फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है। तो आप लोग जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ, इंजॉय करिए आप लोग। तो इधर सूजी भून लिया है देसी घी में बढ़िया, और ये नारियल कस के, और क्या था, काजू और थोड़े से बादाम, ये हस्बैंड जी काट के दे दिए थे मुझको, लेकिन मुझे बादाम कम लग रहे थे तो मैंने बोला कि बादाम लाओ थोड़ा सा मैं और काट लूँ। तो सूजी का हलवा तो सबको बनाना आता है, इसमें रेसिपी क्या बतानी, सबको पता है सूजी का हलवा कैसे बनता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बहुत लोग तो सीरा बना के बनाते हैं, चीनी का सीरा। और हम लोग हैं तो जैसे सूजी भून लिए, जब ब्राउन हो गया तो उसमें डाल देते हैं चीनी। बहुत लोग होते हैं कि अलग से सीरा बना के तो फिर डालते हैं, तो अपनी अपनी इच्छा, जैसे जिसको बनाना है वो बना सकता है। और इधर हो गई है शाम, अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तो शाम के खाने में बनाऊँगी नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि रात में ज़्यादा कोई खाता नहीं, दो दो रोटी सब लोग खाते हैं, दो रोटी ज़्यादा से ज़्यादा तीन रोटी। तो बस वही मैंने सोचा कि रात में लाओ बना लेती हूँ नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी। और तेल ख़त्म हो गया था सरसों का, तो मैं बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में डाल रही हूँ। इसमें क्या रहता है कि सही रहता है, और बड़े डिब्बे से आप डालो ना गिर भी जाता है, तो मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ छोटे डिब्बे में। और नेनुआ की सब्ज़ी में सबको पता है जैसे कि लहसुन और मिर्ची बस, और कुछ नहीं, बस और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ। यहाँ पेड़ पौधा लातूर बेल सब लटक रही है, और इको फ्रेंडली इसलिए भी है कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा किचन, और जो है और ना देखा भाई सब गंदा देखते हैं, देख रहे हैं आपका किचन कैसे लगा किचन यार, दूध का यार चाय नहीं पिए यार आज, ठीक है आपके फ्रीज से दुनिया खुल जाए ना सब्जी। दिन हो गई इधर नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं मिक्स वेज बनाऊंगी और खीर और रोटी, क्योंकि मुझे अपने मायके के लिए भी निकलना था, तो इस वजह से बस यही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद आपको मायके का व्लॉग मिलेगा देखने को फ्रेंड्स, और ये पहले का व्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग वेट करिए मेरे न्यू ब्लॉग का। तो मेरे पास जो भी ब्लॉग है मैं एडिट करके आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो बस ये ब्लॉग है मायके का, एक ब्लॉग और है मेरे पास, वो भी है मायके का, बस दो ब्लॉग है। उसके बाद देखो फिर मैं कंटिन्यू यहीं का डालूँगी जहाँ मैं रहती हूँ, बट अभी मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो आई होप आप लोग समझेंगे। ये बैठ गांव में यही सब तो देखने को मिलता है, पीकॉक, और इधर है नीलगा, बहुत सारी, अरे वो गया, वो उड़ के बैठ गया, हाँ हाँ वो उड़ के बैठ गया, देखी मैं, ये इधर, ये वो। तो इधर मैं खा रही हूँ कीवी, मुझे काट के दे दिया गया है कीवी खाने के लिए, और सिस्टर लोग बना रही है मिलके आज भेल पूरी, इन लोग का मन है खाने का, तो मेरी छोटी सिस्टर प्याज काट रही है, और बेड पे सब लोग बैठे हैं, मम्मी लेटी हुई है, सब लोग बैठे हैं, ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए जो है मैं जो है आवाज़ कट कर दी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और बहुत ही मस्त ब्लॉग है, एंजॉय किए हम लोग, वही सब है।
और कीवी तो इतनी ज़्यादा खट्टी थी कि पूछिए मत। वही मैं बोल रही हूँ भैया कीवी नहीं खाई जाती मुझसे, जबरदस्ती खा रही थी। हम अपने आप को भैया नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत गंदे लग रहे हैं, और सब देखो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, सब स्मार्ट लग रहे हैं। हम बतिया का कहतिया का कहती हमें बतावा क्यों नहीं बोलता है, बस देखा जैसे तू देखा तू वैसे वो देखा थे। हम बतिया ले थी बस। हाँ यार कापा हर पे हम ले पुपली वाला शिल्पी बना के दे दे मम्मी। क्या देखा इधर ये सब लैया और नमकीन उड़ावती है बस। उल्ला शिल्पी नहीं, हम लोग इसको खा लेंगे ना, हम लोग देखी तो ए लिया। हाँ गोल्डी मसाले पड़ता है ला, देखी तो चीखी तो टेस्ट करी ला। बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अभी नमक पड़ा है। इतनी बड़ी बिंदी हम कभी ना लगाई, सही है बहुत बड़ी यह है। कल दुरदुरिया चबाए रहे ना तो बड़ी बिंदी लगाए रहे, और कंगी कल से करवे नहीं भाई। इधर बनता है भेलपूरी बनता है इधर। नमक पिलाई हो नीचे से। हां मिला दी पूरा। हां नमक डलाए तो सही है। कभी भी नहीं आता। वो स्वाद नहीं है। लाए नहीं पाओ तो। ए यहां मांग के अंदर जा। छुटवा बर्तन ला। ऐसे करते दे दे जी। यह बनता है। भेलपूरी दादी को भी ऐसा है टेस्ट। नींबू डाल दे। नींबू तुरंत भीसा हो। नींबू से मत डाल। अभी टेस्ट जाके कुछ सही हुआ है। लग गए बच्चे खाने में। खाओ ना खा जाएंगे। शिल्पी आवा नहीं तो तू पौबू ना। पौबू ना ऐसे ही दोनों दई दिट्टी का परेशान हो कुप्पी उप्पी बनावे के ऐसे दई दे चुपचाप पेपर ऐसे खुले पेपर में। अब तू कुप्पी बना चुकी है। मम्मी कुप्पी हाँ अब आई नीचे से गिरे लागे। अरे शिल्पी तू प्रोफेशनल है एकदम। वाह देखा वाह शिल्पी कै रुपया दे दिया। 15 रुपया के खरीदी हो 15 रुपया शिल्पी मिला को रुपया नहीं सही सही बताऊ। 15 रुपया में कैसे बना है मम्मी ये शिल्पी बहुत अच्छा। 5 रुपए का 5 रुपए लगाना 5 रुपया के बस 5 रुपया ज्यादा नहीं। थैंक यू उधारी है अबे मैगी मसाला डाला गोल्डी मसाला मैगी मसाला है।
लैया खा लेन, अब लगत यह है भैया झाड़ू। अब चलिए थोड़ा कंघी उंघी कर ली हम।